पुरानी पेंशन हड़ताल के समर्थन में आए कर्मचारी सम्मेलन में आज बनेगी रणनीति, सभी विभागों के कर्मचारी होंगे शामिल, आंदोलन को सफल बनाने की उम्मीद। रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि को न्यूनतम वेतन मिले, सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, संविदा या आउटसोर्सिंग, स्वास्थ्य संविदाएँ बंद कर नियमित भर्ती हों, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 25 अक्टूबर को जारी आदेश समाप्त हो, बैंकों में मर्जर का फैसला वापस हो। अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार पुरानी पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर 8 और 9 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल की वजह से ज़्यादातर विभागों में तालाबंदी की आशंका बन गई है। हड़ताल को समाप्त करने के लिए कर्मचारियों के अलग अलग समूहों ने बृहस्पतिवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। विज्ञान परिषद में शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन में इसके आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सम्मेलन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर मौजूद रहेंगी। संयोजक राम सागर ने बताया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के अलावा अलग अलग संगठनों के लोग भी शामिल होंगे। इसी संबंध में शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में A to Z संगठनों से जुड़े लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक में भी हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। पदाधिकारियों ने विज्ञान परिषद में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपील की। इसके बाद कर्मचारियों, नेताओं और जनसंपर्क भी किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह, संजय सिन्हा, यशवंत राय, विजेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। हिंद मजदूर सभा के नेता जयवर्धन राय की अगुवाई में नैनी के औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। जयवर्धन का कहना है कि निजी क्षेत्रों के संगठनों ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। काला दिवस मनाएगी NCERTS, पार्षद हक मामले को जाएंगे लखनऊ। बैंक मर्जर मेडिकल क्लोम के नए आदेश से बढ़ा गुस्सा।